शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो श्रावणी को मैं गाड़ी से घर छोड़ दूं। बीवी जी, गाड़ी कैसी है? अरे अम्मा, अंदर बैठे ना गाड़ी में, गाड़ी की शोभा तो बढ़ाइए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, में तो डर लगता है, अब दुल्हन को बिठा दो है? अरे अम्मा आप भी ना, बीवी जी आइए बैठिए। अरे लेकिन नई गाड़ी आई है, नारियल फोड़िए, पूजा करिए, मुहूर्त तो करेंगे ना, आप लोग जाइए आरती की तैयारी करिए, हम तब तक गाड़ी को दुल्हन के जैसे सजाते हैं। ठीक है, चलिए। चलो सजाना शुरू करो, तुम्हारी गाड़ी। देखो हो गई तैयारी, सज गई गाड़ी। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ अम्मा, अपने हाथों से गाड़ी पे स्वास्तिक तो बनाइए। हाँ ये लीजिए नारियल, इसको फोड़ के शुभ मुहूर्त कीजिए। ना ना अम्मा, आप कीजिए ना। दुल्हन को बोलते हैं, दुल्हन तुम्हारे हाथों से शुभ मुहूर्त करते। अरे नहीं अम्मा, आप घर की बड़ी हैं, आप कीजिए। नहीं हाँ अम्मा जी, आप करिए, आप बड़ी हैं। लीजिए। अब तुम सब लोग बोल ही रहे हो तो हमारे शिबू को खूब तरक्की मिले, खूब प्रगति करो। गाड़ी ले जाए कॉलेज? हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ। चलिए बीबी जी, ध्यान से जाना। जी ये बताइए कि आपको सवारी कैसी लगी? एक मिनट, कार थोड़ी पुरानी है लेकिन है ना एकदम चकाचक। हमें तो सबसे ज्यादा अच्छी आपकी बाइक लगती है, जिसमें हम आपको ऐसे कस के पकड़कर बैठ सकते थे आपके पास। जी वो तो है, लेकिन इसका भी अपना मजा है। वो क्या है ना बीबी जी, अब आपको ठंड नहीं लगेगी, अब आराम से कॉलेज आइएगा। शिवांश हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आपको हमारा सबसे ज्यादा ख्याल है, लेकिन एक बात कहें, हम जैसे भी है ना खुश है, दूसरों को देख के हमें अपना रहन सहन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। समझते हैं कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना तो जलन होती है, पोजेसिव होते हैं, और ये सब नेचुरल है। ये कार आपने इसीलिए ली ना, क्योंकि कल हम रोहन के साथ उसकी कार में आए थे, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं वो बात नहीं है। बीवी है आपकी, आपके बिना कहे सब समझ लेते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। बस आगे से जब आपका कोई मन नहीं होना कुछ करने का, तो उस चीज के लिए बोलेगा भी मत। जब आपको अच्छा नहीं लगा कि हम रोहन के साथ वापस आए, तो फिर क्यों भेजा हमें?
खैर शिवांश, बस एक चीज कि जो हमारे मन में वही हमारे जुबा पर। भरोसा और ईमानदारी ना सबसे जरूरी चीज है। वादा? वादा। चले? चलिए। शिवांश की इतनी छीछा लेदर होनी चाहिए कि उसकी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। जिंदगी भर श्रवणी से आंख ना मिला पाए। ये जो इसका सारा घमंड है ना, वो एड़ी की नोक के नीचे आ जाए। आप चिंता मत करो मम्मी, आप बस तमाशा देखो। दीदी के कॉलेज की सहेलियों को हम शॉपिंग कराती है, अब वो वही करेगी जो हम कहेंगे। पहले आपको छोड़ के आते हैं, उसके बाद गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे। कांग्रेचुलेशन शिवान, हाँ न्यू कार। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। अरे वाह, न्यू कार, मुबारक हो। बेबी जी, आपकी क्लास खत्म हो गई ना, हमें फोन कर देना। अरे लगता है अपना फोन हम गाड़ी में छोड़ा है। आप चलिए, हम फोन लेके आते हैं। जी। श्रवणी, अब जुकाम कैसा है? ठीक है, वो क्लास के लिए देरी हो रही है, बाद में मिलते हैं। देखो भैया, जो बीवी से करे प्यार वो कार से कैसे करे इनकार, इसीलिए लेके आई पुरानी कार। शिवांश, नई कार, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। नाइस, चलो फिर मिलते हैं। देखो हमारा कॉलेज ऐसा है ना, जहाँ पे कैंटीन मैनेजर भी कार में आता है। सेकंड हैंड कार के साथ रोहन का मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता। लो आ गए कैंटीन मैनेजर। लो आ गया सेकंड हैंड पति। गाड़ी तो देखो, जोकर जैसी गाड़ी लेके आया है। डॉक्टर बीवी कहीं अपने डॉक्टर दोस्त के साथ ना भाग जाए। देखना आज वो रोहन के साथ जाएगी गाड़ी में। इसलिए हमारे कैंटीन मैनेजर साहब अपना खेत बेच के लेके आए सेकेंड हैंड कार। श्रवणी को मैं गाड़ी से कहा छोड़ दूं? रखा उसे। रख दिया। यहाँ पढ़ने आते हो ना, जाके पढ़ाई करो, वरना समझा देंगे अच्छे से। वरना क्या करेगा, बोलना क्या करेगा? बे हाथ मत लगा। मारेगा, बोलना सेकंड हैंड पति। बोल क्या करेगा, बोल। अबे क्या कर रहे, क्या बोला?
अब बोल। अरे कोई प्रिंसिपल को बोलो। हमारी बीवी के बारे में बकवास करता है। ये तो शिवांश की आवाज है। क्या बना दूं? शिवांश, शिवांश। छोड़ो मैं। शिवांश, क्या कर रहे? क्यों झगड़ा कर रहे? आपके बारे में घटिया बातें कर रहा है। खून निकल रहा है यार। अबे खून निकल रहा है। शिवांश क्या कर रहे आप? चलिए चलिए यहाँ से, चलिए। गुंडाई करने आते हो यहाँ पर या कैंटीन चलाने? वाइफ कहाँ है तुम्हारे, जिसकी वजह से इतना बवाल कर दिया? मैम, आपने बुलाया? तुम ही श्रवणी हो? जी। पहले वाले डीन ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी, लेकिन आज? मैम, इसमें श्रवणी की कोई? तुम खुद को बचाओ। हम जानते हैं इसमें श्रवणी की कोई गलती नहीं है, पर तुम जो कुछ भी करोगे उसका सीधा असर उस पे पड़ेगा। बोलो, तुमने स्टूडेंट पे हाथ क्यों उठाया? मैम, इस लड़के ने हमें, ये हमारा कॉलेज है, हम डीन है यहाँ के, और हमारे होते हुए ये सब नहीं चलेगा। मैम, मैम प्लीज समझिए, शिवांश को उकसाया गया है। कोई उकसाएगा तो ये हाथ उठाएगा। आज इसने हाथ उठाया है, कल कोई और उकसाएगा तो जान ले लेगा किसी की। देखो श्रवणी, गुस्से में आपा होने से नुकसान ही होता है हमेशा, कभी खुद का कभी सामने वाले का। मैम, हम दोनों माफी मांगते हैं, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी मैम, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आज से तुम इस कॉलेज कैंपस में कदम ही नहीं रखोगे। जी। और ना ही कैंटीन संभालोगे, और तुम्हारे ही सैलरी से इस लड़के की मरम पट्टी के पैसे काटे जाएंगे। देखो, ये एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है और हम यहाँ के डीन हैं। हमारे होते हुए यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैम प्लीज, मैम एक चांस दे दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग जा सकते हो। मैम, ये हमें आग दिखा रहा है। फिर वही गुंडागर्दी? निकलो यहाँ से, और अगर फिर इस कॉलेज के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो पुलिस बुला लेंगे हम। चलो निकलो। मैम प्लीज, शिवांश की तरफ से हम माफी मांगते हैं। तुम्हें भी सस्पेंड होना है? होना है, बोलो ना। मैम, चलो निकलो, निकलो यहां से। धूप भी आ रही है, चलो। यहाँ हमारी ऐनक कहाँ गई? क्या करोगी अम्मा जी अखबार पढ़ के? अब हम जो आ गए, खबर बनाएंगे भी और सुनाएंगे भी। गई इधर भी नहीं। वसुधा अम्मा जी। हाँ, कहाँ ढूंढ रही है? अरे हमारी ऐनक नहीं मिल रही है, अखबार पढ़ना था ना। ओह, कहीं भूल आई होंगी। लाइए, हम पढ़ देते आपका। हाँ, मस्ती ठकुरा है तुम्हें, पढ़ना लिखना सब याद है, वो कैसे नहीं भूली? अरे वो अम्मा जी, वो तो ऊपर वाले का खेल है, मैं तो फिर डॉक्टर का। अच्छा, तो रामायण पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो और शिवपुराण पढ़ो, ताकि पहले की तरह तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो। अखबार का है पढ़ोगी है? नहीं नहीं, अब तो याददाश्त रही नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होने का भी सवाल नहीं उठता। हम अखबार पढ़ते हैं। सुनिए, बीवी थानेदार और पति चपरासी, प्यार ने जोड़ी तो बना दी,
लेकिन टिका नहीं पाई। चार दिन में प्यार हवा में उड़ गया और बीवी ने थाम लिया पुलिस वाले का हाथ। बेचारा पति बावरा सा घूम रहा है, अब लोग उसको बेजू बावरा कहते हैं। छोड़िए ये सब, आप दुखद समाचार सुनेंगी, छोड़िए। वैसे एक बात कहें अम्मा जी, आपको ऐसा लगता है कि गलती चपरासी की ही थी? अपनी औकात के हिसाब से रहना चाहिए था ना। अब थानेदारन से नैन मटक्का करेगा तो फिर तू हाथ तो धो बैठेगा ना। वसुधा जल्दी चाय लाओ, हमारा अब कपार फूटा जा रहा है। आ गई चाय, आपका कपार ठीक हो जाएगा अभी, ये लीजिए। सर दर्द तो आपका अभी और बढ़ाएंगे। गुंडाई करने आते हो यहाँ पर? आज से तुम इस कॉलेज कैंपस में कदम ही नहीं रखोगे और ना ही कैंटीन संभालोगे। निकलो यहाँ से, और अगर फिर इस कॉलेज के आसपास भी दिखाई दिए ना तो पुलिस बुला लेंगे हम। चलो निकलो। ओहो, क्या हुआ, जॉब चली गई? जाओ अब चने बेच के अपनी बीवी को पढ़ाना। ओ, आपको गुस्सा आ रहा है? मारोगे मुझे? मारोगे मुझे? मारो मारो। याद है ना डीन ने क्या बोला था? ये देखो भाइयों, अपना हीरो आ गया। स्वागत नहीं करोगे इसका? श्रवणी, घर ले जाओ इस गुंडे को और अंदर से कह देना अपनी औकात ना भूले। ओए, चल निकल, बड़ा 30 मार का। चल चल, शकल मत देख, चल चल चल। शिवांश चलिए। चल चल श्रवणी। श्रवणी वो हम तुमसे। रोहन, अभी हमें कोई बात नहीं करनी। तुमको क्या हुआ? आंखें कहाँ सूजी हैं? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अब तो होने वाला है। काहे कि मम्मी, हमारे प्यारे जीजा जी की नौकरी चली गई, इसलिए हमको बड़ा दुख हो रहा है। और इसीलिए हम आंसू बहाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी आप तो बड़ी मगरमच्छ हो, आपके तो आंसू आने से रहे। लो आप ही लगा लो। ये तुम रखो, तुमको जरूरत है। काहे कि नव सिखिया हो ना, हम तो है नहीं। अब शिवांश घर पर रहेगा, उसको पुचकारना, उसको सहारा देना, उसकी हिम्मत बनना और उसके करीब आना।
और वहां कॉलेज में श्रवणी और रोहन का तार जोड़ते रहना। क्या बात है स्वीटी, इस बार बिना गड़बड़ किए ही काम निपटा दी? अपनी माँ पे जो गए हम। माँ से तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, कहे कि चंद्रा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। शिवांश के पुरुष अहंकार को ठेस लगी है। इस वक्त तुमने अगर शिवांश को सहारा दे दिया, अपनी तरफ कर लिया ना, तो जिंदगी भर की जीत होगी। लो आ गया सेकंड पति। सेकंड हैंड कार के साथ रोहन का मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता। देखना आज वो रोहन के साथ जाएगी गाड़ी में। हम जानते हैं इसमें श्रवणी की कोई गलती नहीं है, पर तुम जो कुछ भी करोगे उसका सीधा असर उस पे पड़ेगा। जाओ अब चने भेज के अपनी बीवी को पढ़ाना। हमने आपसे वादा किया था कि आप कभी गुंडाई नहीं करेंगे, लेकिन जब उसने आपके बारे में गलत बात की तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग सही कहते हैं हमारे बारे में, हम गुंडे गुंडाई कर सकते हैं। शिवांश, लोगों का तो काम है कहना, आप मत सोचिए। हमारी वजह से आपको भी डांट सुननी पड़ी। शिवांश सिंह, शादी की है हमने आपसे, तो सब कुछ साथ बांटेंगे। सुख भी और दुख भी। वो रोहन, उसके साथ नाचना गाना उसी का नतीजा है सब। सुन लो दुल्हन, ये दोस्ती वोस्ती सब छोड़ दो, और नहीं छोड़ सकती तो ये पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए गोरखपुर से बाहर चले जाएं, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकें। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।